हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपके सामने है ब्लैक कलर में महिंद्रा XUV 3XO का MX3 मॉडल। और इसका क्या प्राइस है, क्या फीचर्स मिलते हैं, आपको सारी डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी की से। तो की इसमें आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, यह है इसकी की। एक साइड में आपको जो है महिंद्रा का नया वाला लोगो देखने को मिलेगा, दूसरी साइड में आपको लॉक, बूट ओपन करने का बटन और अनलॉक करने का बटन देखने को मिल जाता है। दोनों रिमोट की हैं। और अब जो है सामने का जो फ्रंट लुक दिखाते हैं आपको, फ्रंट लुक आपको ऐसा देखने को मिलेगा। हेडलैम्प इसमें आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ DRL देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो डिजाइन दिया गया है भाई, वो बहुत मस्त और प्यारा लगता है देखने में। जो है इसका जो फ्रंट प्रोफाइल का जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अग्रेसिव है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो है स्किड प्लेट देखने को मिलती है और बम्पर आपको जो है रफ फिनिश के साथ में जो है देखने को मिल जाता है, जो कि और यहाँ पे जो है बीच सेंटर में आपको यहाँ पे जो है महिंद्रा का लोगो देखने को मिलता है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसमें आपको जो है 1827 mm की जो है चौड़ाई देखने को मिलती है, जो कि अगर देखा जाए तो जीप कंपस से ज़्यादा चौड़ी है, क्योंकि उसमें आपको 1818 mm की जो है चौड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको जो है 1827 mm की चौड़ाई देखने को मिल रही है। ये हो गया इसकी फ्रंट प्रोफाइल का लुक। और अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको जो है बहुत ही प्यारा क्लीन लुक देखने को मिलेगा। इसमें जो है यहाँ पे जाओ, आपको जो है फेंडर पे क्लाइडिंग देखने को मिलती है, जो कि रफ फिनिश के साथ में है, जो कि बहुत मस्त और प्यारी लग रही है। 16 इंच के आपको इसमें स्टील नॉर्मल रिम देखने को मिलते हैं, जो कि और टायर साइज इसमें जो है आपको 205/65R16 इंच का आपको जो है टायर साइज मिलेगा। MRF के टायर कंपनी ऑफर करती है इसमें। और इसके व्हील बेस की बात करें तो भाई 2600 mm का इसका जो व्हील बेस है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो आपको जो है 1647 mm की ओवरऑल जो है इसकी आपको हाइट देखने को मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं अगर साइड मिरर की बात करें तो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ में साइड मिरर देखने को मिलते हैं और उसी में आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। बाकी साइड मिरर हैंड फोल्डिंग है, लेकिन इलेक्ट्रिकली ग्लास एडजस्टेबल है। और डोर हैंडल बॉडी कलर के हैं। और अब आते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। तो रियर प्रोफाइल का लुक आपको जो है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इसमें, जैसे कि यहाँ पे रूफ पे आपको नॉर्मल एंटीना मिलेगा, यहाँ पे जो है स्टॉप लाइन देखने को मिल जाता है, ग्लास पे डिफॉगर लाइन वगैरह कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पे नीचे महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है, XUV 3XO का जो है 3D लोगो देखने को मिल जाता है। वहीं टेल लैंप की अगर बात करें तो इसमें आपको कनेक्टिंग टेल लैंप तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है DRL मिल जाते हैं। और ये आपका जो है ब्रेक लाइट्स मिल जाती है और ये आपका रिवर्स लाइट के लिए। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और यहाँ पे रिवर्स सेंसर मिलते हैं नीचे। और नीचे बम्पर में आपको स्किड प्लेट देखने को मिलती है। तो ये है भाई इसके जो है रियर प्रोफाइल का लुक। और इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 42 यानी 42 लीटर की देखने को मिल जाती है। और अब इंटीरियर में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे इंटीरियर में आपको क्या देखने को मिलता है। तो बोनट जैसे डोर को ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको जो है डुअल टोन का इंटीरियर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें आपको जो है टोटल आपको 1, 2, 3, 4 हेडरेस्ट मिलते हैं, जो कि चारों एडजस्टेबल हैं। 5-सीटर कार आती है ये। और डोर पे जो है आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश के साथ में डोर हैंडल देखने को मिलता है। भाई ये रिंग बटन दिया गया है, जो कि आपके साइड मिरर के ग्लास को एडजस्ट करने के लिए है। और यहाँ पे आपको जो है चारों पावर विंडो ग्लास डाउन करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। इस साइड में जो है आपका लॉक और अनलॉक और ये ग्लास लॉक करने का बटन है। बाकी यहाँ पे जो है ये आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है। और यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, जो कि 1-2 बॉटल होल्डर हैं। और थोड़ा सा स्पेस मिलता है वॉलेट वगैरह रखने के लिए। और वहीं आपको स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, टोटल आपको इसमें 4 स्पीकर मिलते हैं। और इसका जो सीट का जो डिज़ाइन है, ग्रे फिनिश के साथ में फैब्रिक सीट मिलती हैं, तो कि ये जो है बहुत मस्त डिज़ाइन दी गई है इसमें। फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए यहाँ से दिया गया है, यहाँ से आप बोनट को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए, हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए रिंग दी गया है, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए बटन्स दिया गया है।
बाकी इसमें की जो ऑल फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लेदर स्टेयरिंग मिलती है, जो कि यहाँ पे यहाँ से आप जिसको टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है। और इसमें आपको एयरबैग दिया गया है, यहाँ पे टोटल आपको जो 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं इसमें। और इसका 10.25 मतलब 10.25 इंच का आपको जो है यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ये आपका जो है रिंग वॉल्यूम है, और यहाँ से आपका मीडिया है, यहाँ से आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन वगैरह रिसीव कर सकते हैं। ये आपका जो है रेडियो के लिए है, बाकी ये आपका होम पेज के लिए है, और ये आपके एसी वेंट्स हैं। इसमें जो ये क्रोम फिनिश के साथ में जो लाइन दी गई है वो बहुत प्यारी लग रही है, मतलब डिजाइन के मामले में तो इन्होंने बहुत प्यारा बनाया इसका डिजाइन, बिल्कुल एग्रेसिव लग रहा है। यहाँ पे नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, इसमें यूएसबी पॉइंट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो है ये टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करने के लिए, एसी कंट्रोल करने के लिए आपको यह सारे कमांड्स के बटन्स मिल जाते हैं। ग्लो बॉक्स आपका जो है नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन में है, स्पेस भी अच्छा है, बट ये चिल्ड नहीं है। और इसमें जो है आपको ये आपका जो है वैनिटी मिरर है, रिवर्स मिरर, जो कि हैंड एडजस्टमेंट के साथ में है। सनवाइजर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कुछ नहीं मिलता, इस वाले में आपको यहाँ पे जो है ग्लास मिल जाता है, लेकिन लाइट्स वगैरह कुछ नहीं है। और ये आपका जो है सनग्लास होल्डर मिल जाता है इसमें, ये भाई बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसके गाड़ी में रखने के लिए जगह नहीं होती, तो ये अच्छा किया जो यहाँ पे दिया है। बाकी ये आपका जो है सनरूफ वगैरह ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, ये आपकी रीडिंग्स लाइट हैं जो कि एलईडी हैं, और यहाँ से सनरूफ ओपन हो जाता है। ये है भाई इसका सनरूफ, और ये कर्टन यहाँ से बंद कर सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे जो है 2 कप होल्डर मिलते हैं, आर्मरेस्ट मिलता है, ये भी स्पेसेस हैं, ठीक ठाक इसमें जो है स्पेस है, और इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये आपका हैंड ब्रेक है खींचने वाला, 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस साइड में जो है आपके वगैरह मिल जाते हैं, और इस साइड में जो है आपके हेडलैम्प वगैरह ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, यहाँ के जो बटन्स हैं ये आपके ऑडोमीटर को कंट्रोल करते हैं। और गाइस अब देर ना करते हुए इसमें लगाते हैं यहाँ से की, और करते हैं इसको ऑन। ऑन करते ही आपको जो है ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइट्स के साथ में जैसे ओपन होता है, ये बहुत मस्त लग रहा है। एनालॉग विद डिजिटल दोनों के साथ में कंबाइंड मीटर मिलता है, और ये है आपका जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम डिस्प्ले, कितना मस्त लग रहा है ना भाई। इसका जो यूआई है वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जो इसमें फ्रंट रो में जो लेगरूम स्पेस मिलता है वो आपका 1025 mm का जो है लेगरूम स्पेस मिलता है इसमें। अब चलते हैं इसके सेकेंड रो में, वहाँ पे दिखाते हैं आपको इसमें जो है सेकंड रो में क्या मिलता है। जैसे ही डोर को ओपन करेंगे, तो डोर को ओपन करते ही जो है आपको जो यहाँ पे एक पावर बटन मिलेगा, जो ग्लास को अप एंड डाउन करने के लिए है, और डोर हैंडल देखने को मिलता है, बॉटल होल्डर मिलता है, और स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा। और यहाँ पे जो है आपकी ये जो सीट्स मिलती हैं, और जैसे कि ये यहाँ पे फुल स्पेस कर दिया है, सीट को हमने बिल्कुल पीछे कर दिया है, अब यहाँ से और ज़्यादा पीछे नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी इसमें यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और इसका जो सेकंड रो में जो लेग रूम स्पेस है वो आपको 825 mm का मिलता है, और वहीं पर जो है यहाँ पे आपको जो है लाइट्स मिलती हैं, बीच सेंटर में आपको रीडिंग लाइट मिलती है, और यहाँ पे एसी वेंट मिल जाते हैं, रियर एसी वेंट जो कि यहाँ पे हैं, और टाइप सी का जो है चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, और ये मोबाइल होल्डर मिलता है, यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हैं बड़ी आसानी से, और नीचे 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट मिलता है। तो ये है सेकंड रो का स्पेस और जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं। और एक चीज़ की जैसे कि यहाँ पे आप अपनी सीट बेल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, ये फीचर जो है हर कंपनी नहीं देती है। तो सो गाइस ये है महिंद्रा XUV 3XO का MX3 वर्जन, और अब दिखा देते हैं इसके जो इंजन है, यहाँ से ओपन करेंगे, और जो इंजन है इसका 1500cc का डीजल इंजन इसमें मिलेगा। दोनों इंजन ऑप्शन मिलता है, पेट्रोल विद डीजल। पेट्रोल जो इंजन होगा वो
1200 सीसी का है और जो डीजल इंजन है वो आपको 1500 सीसी का है। सो गाइस, ये है इसका जो डीजल इंजन टर्बोचार्ज के साथ में है। पावर जनरेट करता है 115 bhp की और जो टॉर्क जनरेट करता है वो 300 nm का। और इसके प्राइस की बात करें तो ये जो है 1089,900 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड प्राइस के लिए आप जो है अपने नियर बाय शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। सो गाइस, आपको ये गाड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।